नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हार के बाद भी राहुल गांधी को बनाया जा सकता है कांग्रेस अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव के ताजा चरण में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बावजूद राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसकी ओर इशारा किया है। राहुल के करीबी समझे जाने वाले एक और कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल को जल्द ही पदोन्नति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सचिवालय में भी जल्द ही फेरबदल हो सकता है। इससे पहले इस महीने पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस राहुल के इस साल पार्टी प्रमुख का पद संभालने की उम्मीद कर रही है। सर्वे में हिलेरी को झटका, आगे निकले ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति पद का रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की दौड़ में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप पहली बार डेमोक्रेटिक पार्टी के दावेदार हिलेरी क्लिंटन से आगे निकल गए हैं। फॉक्स न्यूज के राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार नवंबर में होने वाले चुनाव में ट्रंप को 45 और हिलेरी को 42% वोट मिल सकते हैं। ट्रंप के पक्ष में 55% श्वेत और हिलेरी के पक्ष में 21% है। वहीं अश्वेतों के बीच लोकप्रियता में हिलेरी बहुत आगे है। 90% अश्वेत उनके साथ है, जबकि 7% ने ट्रंप का समर्थन करने की बात कही। यह पहला मौका है जब आमने सामने की टक्कर में हिलेरी पर ट्रंप को भारी बताया गया। इतना ही नहीं, सर्वे के अनुसार ट्रंप को नापसंद करने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आई है। दूसरी ओर पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी की नकारात्मक रेटिंग में इस बार इजाफा हुआ है। सर्वे से पता चला है कि दोनों नेताओं को लेकर नकारात्मक राय रखने वाले मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। 56% ने ट्रंप के खिलाफ तो 61% ने हिलेरी के खिलाफ टिप्पणी की। इससे पहले सर्वे में हिलेरी की नकारात्मक रेटिंग 58% और ट्रंप की 65% थी। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से हाहाकार। भीषण गर्मी की वजह से उत्तर भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गर्मी ने जीना मुहाल कर दिया है। राजस्थान, यूपी और गुजरात में पिछले 2 दिन में जानलेवा गर्मी से करीब 2 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली समेत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में पारा 45 के करीब और उसके पार दर्ज किया गया। राजस्थान के फलोदी में सबसे ज्यादा तापमान 51 डिग्री दर्ज किया गया। यहां तक कि गर्मी की मार से जम्मू कश्मीर का कुछ भी अछूता नहीं है। इस पहाड़ी शहर में बीते 2 दिनों के दौरान 40 डिग्री के आसपास पारा दर्ज किया गया है। अहमदाबाद में गर्मी का 100 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा और पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। इससे पहले अहमदाबाद में 27 मई 1916 में सबसे ज्यादा तापमान 47.8 डिग्री दर्ज किया गया था।